हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर एटी वन फोर क्लास नाइन्थ साइंस सब्जेक्ट है वर्कशीट आपकी ये थर्ड फरवरी 2021 के लिए शेड्यूल की गई है आज की वर्कशीट में बच्चों हम करेंगे इज मैटर अराउंड अस प्योर चैप्टर का रिविजन ठीक है लास्ट वर्कशीट में हमने हमने सोल्यूशन के बारे में पढ़ा था ठीक है जो कि एक होमोजीनस मिक्सचर था आज हम हाइट्रोजीनियस मिक्सचर यानी सस्पेंशन और कोलाइड्स के बारे में पढ़ेंगे सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें सो फर्स्ट क्या है सस्पेंशन सस्पेंशन क्या है अ हाइट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स ठीक है हाइट्रोजीनियस मिक्सचर है सॉलिड पार्टिकल्स इन अ सॉल्वेंट जिसमें क्या है सॉलिड पार्टिकल्स जिनको हम क्या कहेंगे सॉल्यूट इन अ सॉल्वेंट इन विच द सॉलिड पार्टिकल रिमेन अनडिजोल्व जिसमें जो सॉल्यूट पार्टिकल हैं वो अनडिजोल्व रहते हैं यानी डिजोल्व नहीं होते एंड सस्पेंडेड थ्रू आउट द सॉल्वेंट और सॉल्वेंट के अंदर जो है क्या रहते हैं सस्पेंडेड रहते हैं फॉर एग्जाम्पल सैंड मड इन वाटर ठीक है रेत है या पानी के अंदर जब जो है हम रेत डाल देते हैं तो वो क्या है वो एक सस्पेंशन का उदाहरण होगा प्रॉपर्टीज क्या रहेंगी सस्पेंशन की पार्टिकल्स कैन बी सीन विद नेकेड आइज हम पार्टिकल्स को अपने जो है नेकेड आइज से देख सकते हैं दूसरा देखिए इट इज अट्रोजीनस मिक्सचर ये क्या है ये एक हेट्रोजीनस मिक्सचर है थर्ड है सोल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन जो सॉल्यूट सॉल्वेंट है उनको हम फिल्ट्रेशन मेथड से क्या कर सकते हैं सेपरेट कर सकते हैं नंबर फोर इट इज एन अनस्टेबल सॉल्यूशन सोल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन अपॉन कीपिंग ये कैसा है ये एक अनस्टेबल सॉल्यूशन है ठीक है नीचे बैठ जाता है सोल्यूड पार्टिकल सेटल डाउन कीपिंग कुछ देर बाद सॉलिड पार्टिकल जो है वो सेटल डाउन हो जाते हैं नेक्स्ट है साइज ऑफ द पार्टिकल इज ग्रेटर देन टू पावर माइनस मीटर तो इनका साइज जो है वो टेन एस दाइनस सिक्स मीटर से बड़ा होता है नेक्स्ट है कोलाइड्स कोलाइड्स क्या है ए कोलाइडल सोल्यूशन इज अ अट्रोजीनस मिक्सचर विच अपियर टू बी होमोजीनस थ्रू नेकेड नेकेडाइस कोलाइडल सोल्यूशन जो है वो एक हाइट्रोजीनस मिक्सचर है जो कि दिखता होमोजीनस है ठीक है हम अगर देखते हैं उसको तो वो हमें होमोजीनस दिखेगा जैसे मिल्क का अगर हम एग्जाम्पल लें मिल्क में क्या होता है कि वो हमें दिखता तो जो है ऐसा लगता है कि वो होमोजीनस है लेकिन एक्चुअल में वो कैसा होता है एक्चुअल में वो हैट्रोजीनस होता है द पार्टिकल्स आर सो स्मॉल दैट दे कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आइज ठीक है पार्टिकल स्मॉल होते हैं हम नेकेड नेकेडाइज से नहीं देख सकते बट आर लार्ज इनफ टू डेविएट द लाइट रेज पासिंग थ्रू देम लेकिन इतने उनका साइज इतना जरूर होता है कि वो जो अगर उनके ऊपर लाइट डाली जाए तो क्या होगा वो लाइट को डेविएट कर देते हैं फॉर एग्जाम्पल मिल्क है ब्लड है ये एग्जाम्पल रहेंगे प्रॉपर्टीज करेंगे कोलाइडल सोल्यूशन की फर्स्ट क्या है सोल्यूड पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन विद नेकेड नेकेडाइज सॉल्यूड पार्टिकल्स को हम नेकेड नेकेडाइज से नहीं देख सकते द सोल्यूशन सीम्स टू बी होमोजीनस बट इज एक्चुअली अ हैट्रोजीनस मिक्सचर सोल्यूशन जो है वो होमोजीनस दिखता है बट एक्चुअल में ये कैसा होता है इट्स अ हैट्रोजीनस मिक्सचर होता है थर्ड देखिए पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन पार्टिकल्स को हम फिल्ट्रेशन मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते नंबर फोर्थ कोलाइडल सॉल्यूशन हैव टू पार्ट कोलेडल सॉल्यूशन के टू पार्ट होते हैं डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम डिस्पर्स फेज को हम यहाँ पर सॉल्यूट से कंपेयर कर सकते हैं जो कि कम अमाउंट में होता है और मीडियम को हम सॉल्वेंट से कंपेयर करते हैं जो कि ज़्यादा अमाउंट में होता है इन अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर द पार्टिकल्स ऑफ प्रोटीन एंड फैट इन द मिल्क आर डिस्पर्स फेज अब देखिए जो है अगर हम मिल्क का एग्जाम्पल लें तो मिल्क के अंदर क्या होते हैं प्रोटीन और फैट होते हैं प्रोटीन फैट क्या होंगे ये डिस्पर्स फेज़ होगा और उसके अंदर जो जो मिल्क के अंदर वाटर है वो क्या होगा वो डिस्पर्जन मीडियम रहेगा जिसके अंदर प्रोटीन फैट जो है वो डिजॉल्व है नेक्स्ट है नंबर फिफ्थ इट इज अ स्टेबल सॉल्यूशन द साइज ऑफ द पार्टिकल इज बिटवीन टेन रेच ओ दावर माइनस एट टू टेन रेच टू दी पावर माइनस सिक्स मीटर ठीक है स्टेबल सॉल्यूशन है ऐसा नहीं है कि दूध रख दिया तो फैट प्रोटीन नीचे बैठ जाएंगे ऐसा तो नहीं होता ना तो ये कैसा है ये एक स्टेबल सॉल्यूशन है अब हम करेंगे टाइप्स ऑफ क्लोइडल सॉल्यूशन तो क्या क्या टाइप्स रहेंगी देखिए इट इस फेज दिया गया है मीडियम दिया गया है टाइप है और एग्जाम्पल है अगर मीडियम गैस है और गैस में लिक्विड को अगर जो है फेज क्या है लिक्विड है तो टाइप एरोसोल रहेगी एग्जाम्पल है जैसे कि फोग है क्लाउड है अगर गैस मीडियम के अंदर सॉलिड फेज़ है तो एरोसोल ही टाइप कहेंगे जैसे कि स्मोक स्मोक में क्या है कि एयर तो वो जो है एयर पार्टिकल है यानी गैस है उसके अंदर जो स्मोक के पार्टिकल है वो सॉलिड है तो ये क्या हो जाएगा ये एरोसोल की टाइप हो जाएगी नेक्स्ट देखिए मीडियम अगर लिक्विड है ठीक है अगर मीडियम लिक्विड है तो जो है फेज अगर गैस है तो टाइप रहेगी फॉर्म एग्जाम्पल रहेगा शेविंग क्रीम नेक्स्ट है लिक्विड में अगर लिक्विड ही फेज रहेगा तो इमल्शन कहेंगे टाइप क्या हो जाएगी इमल्शन एग्जाम्पल जैसे मिल्क फेस क्रीम एटसेट्रा नेक्स्ट है लिक्विड में अगर सॉलिड डिस्पर्स फेज है तो टाइप सोल रहेगी एग्जाम्पल है जैसे कि मड है डाइजीन है नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि अगर मीडियम जो है वो सॉलिड दिया गया है सॉलिड के अंदर अगर हमने क्या किया सॉलिड के अंदर हमने गैस जो है फेज ली है तो टाइप फॉर्म रहेगी एग्जाम्पल आपके हो जाएंगे फॉर्म रबर स्पॉन्ज अगर हमारे पास बच्चों मीडियम सॉलिड है और फेज भी हमारे पास क्या होगा फेज हमारे पास लिक्विड होगा तो टाइप हमारी जेल होगी और एग्जाम्पल रहेगा जेली और चीज का नेक्स्ट देखिए डिस्पर्स मीडियम हमारा सॉलिड ही है और फेज भी हमारा सॉलिड है तो उसको हम सॉलिड सॉल कहते हैं एग्जाम्पल हो जाएगा कलर्ड जेम स्टोन्स और कलर्ड ग्लास का तो ये हमारे एग्जाम्पल रहेंगे कि किस तरह फेज और मीडियम चेंज होता है तो हम कौन सी टाइप में कैटेगरी में उसको रखते हैं अब आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं फर्स्ट क्वेश्चन है डिफ्रेंशिएट बिटवीन सस्पेंशन एंड कॉलॉड सस्पेंशन और कॉलाइड में आपको डिफरेंस करना है तो देखिए आपका आंसर यहाँ से हो जाएगा फाइव पॉइंट आप इसके इसमें लिख देंगे ठीक है तो फर्स्ट पॉइंट क्या होगा पार्टिकल्स कैन बी सीन विद नेकेड आइज इसमें भी आप ये पॉइंट लिख देंगे इट इज अ अट्रोजीनस मिक्सचर इसमें लिख देंगे द सोल्यूशन सीम्स टू बी होमोजीनस बट इट इज एक्चुअली हेट्रोजीनस मिक्सचर नेक्स्ट देखिए सोल्यूट एंड सॉल्वेंट कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन इसमें पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन ओके उसके बाद आप लिख देंगे दैट ये फोर्थ पॉइंट ये लिख दीजिए साइज ऑफ द पार्टिकल इज ग्रेटर देन टू पावर माइनस सिक्स मीटर और इसमें आप लिख देंगे इट इज अ स्टेबल सॉल्यूशन द साइज ऑफ द पार्टिकल इज बिटवीन टेन रेड टू दी पावर माइनस एट टू टेन टू दी पावर माइनस सिक्स मीटर तो इसमें आप फोर पॉइंट्स लिख दीजिए बेटा फाइव भी बना सकते हो जैसे इसमें ये इट इज अन स्टेबल सोलूशन है इसमें आप लिख दीजिए इट इज स्टेबल सॉल्यूशन ठीक है तो ये जो है पॉइंट आप इसमें लिख देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा नेक्स्ट देखिए क्लासीफाई द फॉलोइंग एज सस्पेंशन एंड कॉलॉड तो आपको इसमें सस्पेंशन और कॉलाइड जो है वो आपको बताना है तो देखिए इसमें इसमें आपका सस्पेंशन जो है वो कौन सा होगा सस्पेंशन हो जाएगा आपका यहाँ से मडी वाटर क्या होगा मडी वाटर उसके बाद अगर आप जो है देखें कोलाइड तो कोलाइड में क्या होगा कॉलाइड में आपका जो एग्ज़ाम्पल होगा वो आप करेंगे ब्लड ठीक है क्या हो जाएगा ब्लड मिल्क ब्लड मिल्क लेमोनेड लेमोनेड तो बेटा आपका सॉल्यूशन हो जाएगा और जेली तीसरा एग्जांपल हो जाएगा जेली तो ये जो है आपका इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर टू का नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री है आइडेंटिफाई द डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम इन द फॉलोइंग तो आपको डिस्पर्स फेज और मीडियम ठीक है उसको आइडेंटिफाई करना है तो फोग सेविंग क्रीम जेमस्टॉन जेली ये एग्जाम्पल दिए गए हैं तो ये बेटा करते हैं इसका आंसर सो so, यहां से आप लिखेंगे सबस्टांस डिस्पर्स फेज क्या है मीडियम क्या है तो फोग में फेज क्या हो जाएगा लिक्विड मीडियम हो जाएगा गैस जैम में फेज हो जाएगा सॉलिड और मीडियम हो जाएगा सॉलिड जैली में देखिए फेज हो जाएगा लिक्विड और मीडियम भी क्या हो जाएगा मीडियम सॉलिड रहेगा शेविंग क्रीम में फेज आप गैस लिखेंगे मीडियम आप लिक्विड लिखेंगे तो ये टेबल इस तरह से आप अपनी कॉपी में बना लेंगे नेक्स्ट देखिए नंबर फोर बीमो फ्लाइट इज मेड टू फॉल ऑन ए ग्लास ऑफ मिल्क विल द पाथ भी विजिबल वाई और वाई नॉट तो अगर जो है बीम ऑफ लाइट ग्लास ऑफ मिल्क के ऊपर डाली जाती है तो क्या पाथ विजिबल होगा तो बेटा हमने यही पढ़ा था ना कि पाथ जो है ये विजिबल होता है कि इनका साइज इतना होता है कि वो जो लाइट है लाइट रेज उनसे जो पास होती है उसको डेविएट कर सकते हैं और एग्जाम्पल भी हमने पढ़ा था मिल्क और ब्लड का सो यस बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ द कॉलॉइड आर लार्ज इनफ टू डेविएट द लाइट रेज पासिंग थ्रू दैम तो आप इस ये आंसर इसमें लिख देंगे तो ये हो गई आपकी आज की साइंस की वर्कशीट आई होप आपको वर्कशीट क्लियर है अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड सपोर्ट कीजिए थैंक यू फॉर वॉचिंग